Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक खास खबर। आपने देखा होगा कि बीजेपी नेताओं की कई अतरंगी तस्वीरें देखने को मिलती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सियासी का जो सियासी चश्मे की नज़र से लोग देखते हैं और उस तरीके से सियासत में जो बैठे लोग कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी को पर जिस तरीके से आरोप लगाने में माहिर रहते हैं और उसी तरीके का जो बीजेपी का जो चेहरा है वो साफ नज़र आता है कि किस तरीके से लोग आया कहा जाता है कि राजनीतिक और राजनीति पैसा और ठाट बाट ये इसका जो कॉकटेल होता है वो कहीं ना कहीं सिर्फ अय्याशियों से ही जुड़ा होता है और सरकार में अमूमन ऐसे कई लोग होते हैं जो सिर्फ राजनीति के पर्दे के पीछे जमकर अय्याशी करते हैं और इस वो अय्याशी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए घातक साबित होती है। मैं आपको एक खबर से रूबरू कराना चाहूँगा, क्योंकि मंदसौर में आपने देखा, मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि कई ऐसे अभी पिछले दिनों एक जो नेता थे, अध्यक्ष थे बीजेपी के, एक जिले के जो अध्यक्ष थे वो कहीं ना कहीं एक लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखे गए थे और उनका जमकर वीडियो और जो क्लिपिंग बाजी होती है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई और उसको लेकर के जमकर बवाला हुआ और उन्होंने अपने पद का भी जिस तरीके से पद छोड़ा था। और बीजेपी नेता ऐसे अहदे पर आकर जो पद की गरिमा बनाए रखना होती है लेकिन उसको किस तरीके से बिगाड़ते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। हम आपको बताएं, डांसर आप जिस तस्वीर में देख रहे हैं, चाहे आपको मैं अगर इस तस्वीर में दिखाना चाहूँ तो आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि एक बीजेपी नेता है जो खड़े हुए हैं और डांसरों के साथ वो डांस करने में करते माफ कीजिएगा तो डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो मैं आपको पूरी तरीके से नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ये बीजेपी नेता हैं और ये मध्य प्रदेश के हैं और इन ये किस तरीके से डांस करते हुए, अश्लील डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको खबर से रूबरू कराता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक नेता का मीडिया सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हो रही है। इस वीडियो में बीजेपी नेता डांसरों के साथ अश्लील डांस करते हुए और उन पर नोट बरसा रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस नेता में घमासान छिड़कता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने का मामला मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले का है। बताया जा रहा है कि 25 दिसंबर को एक प्रशासनिक अफसर के घर पर पार्टी का आयोजन किया गया था। इस पार्टी में स्थानीय बीजेपी पार्षद राघवेंद्र सेंगर शामिल हुए थे। इस पार्टी में कुछ डांसरों को भी बुलाया गया था। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने पर बीजेपी पार्षद राघवेंद्र सेंगर का कहना है कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। सेंगर ने मीडिया से कहा कि यह कार्यक्रम पारिवारिक था जिसमें सभी सदस्य मौजूद थे। मुझसे जलन रखने वालों ने मेरी छवि खराब करने के लिए वीडियो वायरल किया है, मैं वीडियो की जाँच की मांग करता हूँ। और वहीं बीजेपी मैं आपको बता दूं कि वही बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस का साथ छोड़ने के कारण कांग्रेसियों ने राघवेंद्र का वीडियो बनाया है, मेरे पास भी किसी कांग्रेसी ने भेजा है। इस मामले की जानकारी उन्होंने पार्टी को देने की बात कही है। कांग्रेस नेता के मुताबिक महिला डांसरों के साथ डांस करने पर उनका चरित्र चित्रण हो रहा है, ऐसे लोगों को रखकर पार्टी दिखाना क्या चाहती है। कांग्रेस वीडियो वायरल क्यों करेगी, क्योंकि ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में नहीं रखने देती है। बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा यह जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी नेताओं की अश्लील हरकतें सामने आती हैं, भले ही क्योंकि देखा जाता है कि अगर जो विपक्ष पार्टी होती है वो कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं के पीछे कहीं ना कहीं मुखबिर लगे हुए होते हैं कि आखिर मौका मिलते ही
किसी ना किसी नेता का वीडियो वायरल कर ही देते हैं, और चाहे वो पारिवारिक फंक्शन में नाच रहा हो या फिर वो डांसरों के साथ नाच रहा हो। लेकिन इसकी असली वजह क्या है ये हम आपको पुख्ता तौर पर नहीं बता सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी नेता की तस्वीरें आ रही हैं डांस करते हुए, तो कहीं ना कहीं सवाल बनते हैं। क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था कि मध्य प्रदेश के एक जिले के जो अध्यक्ष थे वो भी कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े नेता थे, पुराने नेता थे, और वो डांस करते हुए नजर आ रहे थे, या कि संदिग्ध जो आपत्तिजनक जो परिस्थिति होती है उसमें नजर आए थे, और उनकी जमकर फजीहत हुई थी, उनको जो है जिला अध्यक्ष पद का भी छोड़ना पड़ा था। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पार्टी में इस तरीके के नेता जो हैं जिनका चरित्र ही मैला है, वो क्या पार्टी को क्या नई दिशा देंगे, क्या समाज को नई दिशा देंगे, क्या उनके चरित्र से जो लोग जीत कर आते हैं पार्लियामेंट में जाते हैं या फिर कहें कि विधानसभा में जाते हैं, क्या उनका इस तरीके का चरित्र होना चाहिए जो वो समाज को क्या सिखाएंगे। क्योंकि और इस जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार में आने वाले चुनाव में भी बहुत ज्यादा मुसीबत पैदा कर सकती है, शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं मुसीबत में डाल सकते हैं ऐसे नेता, और ऐसे नेताओं को बीजेपी बर्दाश्त क्यों करती है। अगर ऐसे नेता चरित्रहीनता करते हैं, लोगों को सिर्फ सामाजिक सद्भावना के तौर पर देखा जाए, तो अगर हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से जो बीजेपी नेता है वो इस तरीके के अश्लील कांडों में संलग्न होते हैं, संदिग्ध अवस्था में पाए जाते हैं, तो पार्टी ऐसे लोगों को बर्दाश्त क्यों करती है, और अगर करती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी का एक जो चरित्र है वो कहीं ना कहीं बाहर निकल के आता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस खबर में जो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में खड़ा कर रही है कि ये जो बीजेपी नेता है वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, और जब कोई बीजेपी नेता चाहे वो कांग्रेस नेता हो बीजेपी नेता हो इन परिस्थितियों में फंस जाता है, तो सिर्फ एक ही बात दोहराता है कि मेरे पीछे साजिश की जा रही है, विपक्षी पार्टी है उसको मेरा पद मेरी जो तरक्की है वो रास नहीं आ रही है, इसलिए वो मुझे बदनाम करवाना चाहती है। क्या सच में इस खबर पर सत्यता है कि अगर बीजेपी नेता इस वीडियो में नहीं है या फिर कहें कि इस तरीके के काम नहीं किया है, तो आखिर फिर क्या वजह हो सकती है कि इस तरीके की परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। सोशल मीडिया पे जमकर इस बीजेपी जो पार्षद है राघविंद सेंगर, उनका जो वीडियो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में गर्मी पैदा की, मतलब कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सियासी गर्माहट है वो कहीं ना कहीं बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं अगर बात करूं कि बीजेपी के जो असली जो चाहे वो किसी महिला के साथ किसी नेता का आपत्तिजनक सीडी वायरल हुई हो, या फिर यूं कहें कि जिस किसी नेता के साथ कहीं ना कहीं उनका जो संदिग्ध अवस्था में या फिर कहें कि आपत्तिजनक स्थिति में देखने को मिलता है, कई ऐसे आप राजस्थान में देख लीजिए तो एक भरतपुर में जो एक विधायक थे उनका जो वीडियो था वो कहीं ना कहीं निकल कर बाहर आया था और सोशल मीडिया पर काफी बवाला मचा हुआ था। यही चीज वरुण गांधी को हनी ट्रैप में जो है कहीं ना कहीं फंसाया गया था, और इसमें क्या वजह रही होगी ये खैर ये पुख्ता तौर पे हम नहीं बता सकते, लेकिन उनका भी एक वीडियो कहीं ना कहीं किसी बीजेपी को आरोप ये था कि कहीं ना कहीं उनके पद को लेकर के उनकी प्रतिष्ठा को लेकर कोई धूमिल करना चाहती थी, और उसी को लेकर के उनकी क्लिप है वो कहीं ना कहीं बनवा के सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी। मंदसौर में एक जो जिला अध्यक्ष थे उनका भी इस तरीके से अश्लील कांड सामने आया था, आपत्तिजनक परिस्थिति में देखे गए थे। लेकिन सवाल फिर वहीं खड़ा होता है कि ये जो नेता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकते हैं, और पार्टी ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, और अगर इस पर ये चीज़ें ये मुद्दे निकल कर आएंगे तो
तो हो सकता है कि सियासत का जो रुख है वो कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में बहता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कई सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं कि इस बार शिवराज सिंह चौहान की सरकार नहीं आएगी, और ये भी बातें सामने आ रही हैं कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में आएगी, शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन देखने वाली ये बात है कि आखिर आने वाले टाइम में क्या इन्हीं छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस हमलावर होगी बीजेपी पर, और फिर जो एक सियासी चेहरा नजर आएगा वो क्या होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी नए किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।